हेलो दोस्तों, मैं संगा और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे जाना है कि अब लड़की की फीलिंग्स आपके लिए बदल गई हैं। अब वो लड़की आपको पसंद करने लगी है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी लड़की से मिलते हुए कुछ दिन हो गए, ठीक है, और आप उसे पसंद करने लगे। आपने बातों ही बातों में उस लड़की को बोला कि आप उसे पसंद करने लगे हो, लेकिन पलट कर लड़की ने ये रिप्लाई किया कि उसके दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है, वो आपको सिर्फ अच्छा दोस्त समझती है, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। तो आप कैसे पता कर सकते हो कि कुछ दिनों बाद उस लड़की के दिल में आपके लिए फीलिंग्स आने लगी हैं, वो आपको पसंद करने लगी है। तो आज की वीडियो में आपको इसी बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो आई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम है कि अगर लड़की फ्रिक्वेंटली बार बार लगातार आपसे बात करने की कोशिश करे, चाहे वो किसी काम को लेकर हो, लाइक कॉलेज में पढ़ते हो, नोट्स को लेकर हो, ठीक है, ऑफिस में करते हो, या आस पड़ोस में, मतलब किसी भी बहाने से वो बार बार एफर्ट लगाए, ठीक है, फ्रिक्वेंटली आपसे बात करने की कोशिश करें, तो आप समझ सकते हो कि वो आपको पसंद करने लगी है। क्योंकि जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो हम किसी न किसी काम से, किसी न किसी बहाने से उस इंसान के हमेशा टच में रहने की कोशिश करते हैं। हम उस इंसान से जुड़े रहना पसंद करते हैं, कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उस इंसान को अच्छे से समझ पाएँ और वो इंसान जो है हमारे करीब आने लगे। तो जब लड़की ऐसा करने लगे तो आप उसको ग्रीन सिग्नल समझ सकते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि अगर लड़की आपको क्विक रिप्लाई करे या फिर आपके किसी काम पर तुरंत रिएक्ट करने लगे, तो भी आप समझ सकते हो कि उसकी तरफ से हाँ है। जैसे कि आपने उसको मैसेज करा, रात में मैसेज करा, अगर वो आप में इंटरेस्टेड नहीं होगी, उसके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं होगी, तो वो मैसेज देख भी लेगी तो भी सोचेगी चल सुबह उठ के मैसेज कर दूंगी, या इस मैसेज करा चल मिलकर इसका जवाब दे दूंगी, ऐसा होगा। लेकिन अगर वो आपको पसंद करती होगी तो वो तुरंत रिप्लाई करेगी। अगर उसके फोन में, हाथ में फोन है ना, तो वो आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई करेगी। और प्लस अगर वो आपसे बात कर रही है, ठीक है, आपके सामने बैठी हुई है, अगर कोई भी काम करते हो तो उसका तुरंत रिएक्ट करेगी। जैसे कि उसके साथ बैठे बैठे आपको अचानक से छींक आ गई है, तो आपकी एक छींक से वो इस तरीके से सवाल करेगी, यार कोल्ड हो गया क्या, तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम है, मतलब वो आपकी छींक को भी इतना बड़ा इशू बना देगी जिससे आपको लगेगा कि वो आपके लिए थोड़ी सी ज्यादा केयरिंग हो रही है, आपकी ज्यादा केयर दिखा रही है, फिक्र दिखा रही है, ठीक। तो इसका मतलब ये होता है कि उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आने लगी है। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि अगर लड़की आपकी आदत बनने की कोशिश करने लगे, आदत मतलब कि वो ऐसे काम करे जिससे कहीं ना कहीं आप उसके आदी बन जाओ, लाइक बहुत ज्यादा आपके लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करना, एक टाइम पे कंटिन्यू बात करने की कोशिश करना, कॉल या मैसेज करना, रेगुलर मॉर्निंग विश किया, गुड आफ्टरनून विश किया, नाइट विश किया, ठीक है, मतलब कंटिन्यू उसकी पूरी कोशिश ये रहे कि वो आपकी आदत बन जाए, आप उसे मिस करो, जब वो आपको मैसेज ना करे तो आपके दिमाग में वो घूमे, उसके मैसेज के बारे में बातें चलेगी, आज उसने मैसेज क्यों नहीं किया, तो आप समझ सकते हो कि हाँ उसके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स आने लगी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपकी हर चीज़ से प्यार करने लगे। दोस्तों देखो, जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो हम उस इंसान से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं, हम उसको भी अपना लेते हैं, ठीक है, लाइक दोस्त हो गए या कोई चीज़ है या कोई कुछ भी, ठीक है, अच्छाइयाँ होगी, बुराई होगी, हम उसे ऐसे ही पसंद करते हैं क्योंकि हम उस इंसान से प्यार करते हैं और उस इंसान के साथ साथ जो भी उससे जुड़ा हुआ है उसको भी हम ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर लड़की आपकी चीज़ों को भी इम्पोर्टेंट देने लगे, ठीक है, आपके साथ साथ वो उनको भी प्रायोरिटी दे, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर हैं, उनको भी उतनी ही इज्जत देने की कोशिश करें, तो आप समझ सकते हो कि उसकी फीलिंग्स अब आपके लिए बदल गई हैं। वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो जो लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।